और विश्व भर में विकलांगता के बारे में जागरूकता फैलाने और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्पाइनल कॉर्ड इंजरी दिवस मनाया जाता है। राजधानी दिल्ली में भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और इसके व्यापक देखभाल और रिहैबिलिटेशन की आवश्यकता को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ऑडिटोरियम में 100 से ज्यादा व्हीलचेयर यूजर्स ने व्हीलचेयर टेबल टेनिस, बोशिया, व्हीलचेयर रेसिंग और व्हीलचेयर बाधा दौड़ सहित कई अन्य खेलों में सक्रिय रूप से भाग लिया। दरअसल इस आयोजन का मकसद एक्सपर्ट्स पीड़ितों और समाज को सुरक्षा, चोट की रोकथाम और रिहैबिलिटेशन के महत्व को बढ़ावा देने के लिए एक साथ लाना था। साथ ही राष्ट्रीय चोट रोकथाम सप्ताह के अंतर्गत रीढ़ की हड्डी की चोटों वाले व्यक्तियों के साहस और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन भी था। इस आयोजन के दौरान व्हीलचेयर डांस परफॉर्मेंस ने दर्शकों का दिल जीत लिया। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी दिवस के अवसर पर वेबिनार और पैनल चर्चाओं में एक्सपर्ट्स ने रीढ़ की हड्डी की चोटों सहित अन्य चोटों से प्रभावित व्यक्तियों के लिए जागरूकता और मदद को बढ़ावा देने के साथ इससे रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करने को लेकर अपने विचार रखे। मैं बोशिया स्पोर्ट्स खेलता हूँ और मेरा बोशिया में जर्नी शुरू हुई है 2021 से। आई एम अ फर्स्ट यंगेस्ट जूनियर प्लेयर हु रिप्रेजेंटेड इन एशियन जूनियर पैरा गेम्स। उसके बाद मेरे 2022 में मेरे दो मेडल आए, एक इंडिविजुअल में सिल्वर एंड पेयर गोल्ड, और अभी इस साल में भी मैं पेयर्स में सिल्वर मेडल हूँ। योग से हम कैसे मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं? हम सब मीन्स फिजिकल एबिलिटी सिर्फ हमारे ये लिमिटेशन नहीं है हमारे लिए, द वर्ल्ड इज़ ओपन फॉर अस, और हम अपनी मानसिक क्षमता के माध्यम से, मेंटल एबिलिटी के माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम दुनिया भी जीत सकते हैं। मैं स्पाइनल कॉर्ड का, मेरी सर्वाइकल C5-6 इंजरी है, और मैं यही मैसेज दूंगा कि आपको अगर कुछ भी हो जाता है तो आप फर्स्टली प्लीज़ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शंस में ही कुछ कीजिए, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जस्ट एक्सीडेंट से नहीं होती, वो बाद में आपकी जो सेफ्टी में जो चूक रह जाती है उसके कारण ज़्यादा हो जाती है। और दुनिया भर में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डे मनाने का